Hello, my dear students. I'm back with a new topic from EVS subject. So, students, our today's topic is means of transport. तो चलो बच्चों, आज मैम आपको एक नई एक्टिविटी सिखाएंगे. Are you all ready? Yes, very good children. चलो stand up everyone. Yes. So आज मैम आपको एक्शन वर्ड सिखाएंगे. क्या सिखाएंगे? एक्शन वर्ड्स. सो आवर फर्स्ट एक्शन इज रनिंग. कैसे रन करते हैं हम? यस, रनिंग. वेरी गुड. सेकेंड, फ्लाइंग. यस, सेकेंड एक्शन वर्ड इज फ्लाइंग. गुड. एंड थर्ड एक्शन वर्ड इज स्विमिंग. यस, वेरी गुड चिल्ड्रेन. क्लैप फॉर योरसेल्फ. गुड चिल्ड्रेन. तो चलो बच्चों, अब ये एक्शन वर्ड्स आपको याद रखना है एंड तक. ओके? तो बच्चों, आज हमने पहला एक्शन वर्ड क्या सीखा? रनिंग. यस. तो फिर बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो हम रनिंग कहाँ करते हैं? क्या हम आसमान में रनिंग कर सकते हैं? नो. तो फिर क्या हम पानी में रनिंग कर सकते हैं? नो. हम रनिंग करते हैं धरती पर. धरती मतलब लैंड. तो फिर जैसे हम लोग धरती पर चलते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वैसे ही कोई अदर थिंग आपको पता है जो धरती पर मूव करती है? यस बच्चों, धरती पर ये जो व्हीकल्स होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें हेल्प करती है. तो फिर ऐसे व्हीकल्स जो धरती पर चलती है, लैंड पर चलती है, उसे हम कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. जैसे कि बाइक, ट्रेन, या फिर आप बाइसिकल भी खेलते हो ना, ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है. तो फिर बच्चों, हमने नेक्स्ट एक्शन वर्ड क्या सीखा था? फ्लाइंग. यस बच्चों, हम लोग तो नहीं फ्लाई कर सकते हैं, पर बर्ड्स कैन फ्लाई, है ना? बर्ड्स हवा में उड़ते हैं ना, आसमान में उड़ते हैं ना. यस. और बच्चों, आपको तो श्योर पता होगा कि कुछ व्हीकल्स भी होते हैं जो आसमान में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, है ना? तो जो व्हीकल्स हमें हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन एयर, जो आसमान में उड़ते हैं, उसे हम कहेंगे एयर ट्रांसपोर्ट. जैसे कि एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर. सो दिस आर एयर ट्रांसपोर्ट. तो फिर बच्चों, आज हमने लास्ट एक्शन वर्ड क्या सीखा था? हमने सीखा था स्विमिंग, है ना? तो बच्चों, आपको तो पता है जैसे फिश होती है ना, वो भी स्विमिंग करती है. तो फिर फिश कहाँ स्विमिंग करती है? हवा में? लैंड पे? नो. फिश स्विमिंग करती है पानी में. यस. तो जैसे ये फिश स्विमिंग कर सकती है ना, वैसे ही कुछ व्हीकल्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प करते हैं पानी में, जिसे हम कहेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट. जैसे कि शिप होती है, देन बोट होती है, इसे हम कहेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट. तो फिर बच्चों, आज हमने क्या सीखा? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, bye bye my dear.